और मैं तुझे इसलिए भेज रहा हूं कि तू बहादुर भी है और अकलमंद भी, और ये दो बातें बहुत कम लोगों में इकट्ठी होती है। वारिस ड्रामा सीरियल का शुमार पीटीवी के कामयाब तरीन ड्रामों में होता है। ड्रामा 13 अकसात पर मुश्तमिल था, जिसकी पहली किस्त 29 दिसंबर 1989 को जबकि आखिरी किस्त 22 मार्च 1980 को ऑन एयर हुई। ड्रामे को तहरीर अमजद इस्लाम अमजद ने किया, हिदायत नुसरत ठाकुर और गजनफर अली ने दी। ड्रामा चौधरी हशमत और उसकी औलाद के गिर्द घूमता है, जिनके दरमियान जमीनों जायदाद के हसूल के लिए रस्साकशी जारी रहती है और चौधरी हशमत तमाम मनफी हरबे इस्तेमाल करता है। ड्रामे की कास्ट काफी तवील थी। नाम ये हैं: महबूब आलम, आबिद अली, मुनव्वर सईद, फिरदौस जमाल, उज्मा गीलानी, ताहिरा नकवी, समीना अहमद, शुजात हाशमी, औरंगजेब लगारी, गयूर अख्तर, निघत बट, आगा सिकंदर, तलत सिद्दीकी, सज्जाद किश्वर, अमानुल्ला, मलिक अनोखा और मजीद भी। व्यूअर्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के आखिरी हिस्से में चंद क्लिप्स आपके लिए चुने हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। सर, ये दुनिया बड़ी अजीब जगह है। यह इंसान सोचता कुछ है और हो कुछ जाता है, लेकिन जो कुछ हुआ वो आपके सामने। मर्द जो फैसला करते हैं सोच समझ कर करते हैं। तुम कैसे भाई हो? एक आदमी तुम्हारे भाई की मां को उठा कर ले गया है और तुम बैठे हुए हमें कानून के सबक पढ़ा रहे हो। जिद नहीं करते, मैंने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए। पुलिस पापी को पकड़ के थाने ले गई है। इसका मतलब है कि ऊपर से सख्ती हो रही है, वरना किसी की जरूरत थी कि पापी को कोई थाने लेके जाता? पर घर से निकल के आदमी की इज्जत नहीं रहती। बड़ा बड़ा शी जवान कखों हौला हो जाता है। आस पास के अम्बल्ला जिम्मेदारों से बात करो, उन्हें बताओ कि मुआवजे में जमीन का दसवां हिस्सा भी मुश्किल से मिलेगा, और वो भी पता नहीं कैसी हो। बताया ना आपको याकूब भाई कि मुझे भी अभी चंद रोज हुए पता चला है। मैंने बहुत कोशिश की कि इसका कोई हल निकल सके, मगर रुक
उस लड़की को बहुत चाहता है।